गाइस वेलकम टू द PUBG मोबाइल लाइट अनदर गेम प्ले। अजी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है। हेलो, कहाँ चलोगे मेरे भाई? भाई जहाँ चल लो भाई, सब कह रहे हैं कहीं भी चल लो। हम कहे कहीं एक कॉन्करर प्लेयर तो नहीं? कहाँ चलते हैं, कोई नहीं जाएगा भाई। कह रहे हैं आइसलैंड चलते हैं, वहाँ कोई नहीं आएगा। तो हमने कहा अरे बंदे आ गए तो तब क्या करेंगे, तो यूपी वाले थे, डायलॉग सुन लो जरा। आ जाएगा तो भाई हम भी तो हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमारा हथियार कोई नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, जब हम लोग चाचा चौधरी का दिमाग लगाए कि कोई नहीं जाएगा वहाँ, तो कोई और भी तो दिमाग जरूर लगाया होगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके देखते तो एक स्क्वाड नीचे जा रही है। हम कहे जल्दी उतार, उन बंदे पहुंच गए नीचे। हमने कहा पे क्या कर रहा है, इतना धीरे धीरे उतारा, उतार जल्दी। हाँ उतर गए भाई। अबे पूरा अंधौड़ा है का, ऊपर तो देखो भैया। अरे बाप रे, अब क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, इतनी लेट में उतार दिए, जल्दी करो, लूटो जल्दी सब लोग। ये कौन चढ़ रहा है ऊपर? लो बेटा भम, लो बेटा भम, लो बेटा भम। आई कहाँ निकल गया, ये कौन दौड़ा लिया इसको? अभी तुमको प्रसाद देते। लो बेटा भम, लो बेटा भम, लो बेटा भम। कैसा लगा घंटा? अब भाई साहब ये गन जो है रिलोड पे आ जाती है और एक एक करके रिलोड हो रही है। अब ज्यादा तो हम ये यूज नहीं किए, इनको देते लो बेटा भम। अबे 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 जल्दी आओ, अबे कब आओगे तुम, अबे जल्दी आओ। जवानी में डूबी ये होती है लड़ाई। तीन नंबर का नाम था गरुण शक्ति, हैरी पॉटर वाला। इनको कुछ ज्यादा ही मजा आ गया था। मजा आ गया भाई, मजा मजा नहीं आ गया, इनको बच गया तुम। आप कानपुर के हो भाई? ये पूछते कि भाई आप कानपुर के हो? हम कहते नहीं भाई, आई बिलोंग टू लखनऊ। लखनऊ में तो भाई भी है भाई। हम आधे घंटे से जो है हेल्थ किट ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं यार कौनो इतनी तेजी से लूट रहा होता है कि पूरी हेल्थ किट गायब हो गई रहती है। हम कहे कौन लूट रहा है इतनी जल्दी जल्दी भाई, आइलैंड में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी हेल्थ किट की कमी पड़ जाए। तो हम इन लोग पे इल्जाम लगाने लगते जानबूझ के। हमने कहा यार ये दो नंबर बहुत जल्दी जल्दी लूट रहा है, ये तीन नंबर बहुत जल्दी जल्दी लूट रहा है, तो चार नंबर सोचे कहीं हमारे ऊपर ना इल्जाम लगाने लगे, तुरंत दौड़ के आ जाते लो हमसे हेल्थ किट। आधे घंटे से मांग रहे थे हेल्थ किट, तब तो दिए नहीं, अभी जब इल्जाम लगाने तो दे दिए। हैं गोबर है उका यार, यहाँ चार बंदे उतरे कि तीन, कितने थे? चार। लो भैया अभी इसका भी जनगणना करेंगे का, उतरे थे बंदे तीन और वो एक गंधौड़ा कह रहा है चार। चार पेटी है भाई पूरी, हम तीन है यार। एक कह रहे तीन बंदे हैं, एक कह रहे चार बंदे। हमने कहा ये सब तो मेरी खोपड़ी ही खा जाए। भाई साहब तुरंत चार नंबर लपक के चले गए बोट चलाने के लिए। हमने कहा चलाओ भैया, खुजली मची होगी तो चलाओगे, तब तक पीछे बैठ जाते हैं और पकड़ा देते बोट दो नंबर को। अब वो भाई साहब थे सोतलू। बैक करके थोड़ा वो करना भाई साहब, बोट चलाना सिखा रहे हैं या गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं? और इनको देख लो बस हैंडल इधर उधर घुमा रहे हैं, एक्सेलरेटर कौन दबाएगा? अबे चलाओ बे जल्दी, अबे कोई फोड़ के चला जाएगा, क्या कर रहा है बे? हाँ पीछे ले लो, ले लो पीछे, पीछे ले लो, ले लो, ले लो। हाँ चलो 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 चलो। अबे 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 भाम, अबे क्या कर रहा है बे अंधौड़े, देख के नहीं चला पा रहा है। अब भाई साहब यहाँ से गाड़ी वाड़ी उठा के हम लोग जोन में पहुँचते आगे। तो भैया गाड़ी दिखी तो उसका पीछा नहीं कर रहे, गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है। अब भाई साहब एक आदमी के पास थी कार 98, तो यहीं से जो है चम्म चुम्म करना चाहते थे, मतलब ये कार 98 से चम्म चुम्म करें और हम लोग बैठ के ताली बजाएं। तब तक एक गाड़ी आती है और ये लोग बिजी थे 3x और 4x के चक्कर में। हमने कहा गाड़ी आ रही बे, अबे तैयार रहो गाड़ी आ रही है। लो भैया आई गॉट सप्लाई कर रहे हैं। हमने कहा गोबर है काबे, अभी बता रहे इन लोग को। तब तक आगे से आवाज आती भम भम। हमने कहा लो बेटा पेट क्या, हम कहे अबे AWM चली वहां क्यों गुली गुली कर रहे हो, अबे इसके अंदर आओ बे, अबे क्या कर रहे हो भाई कवर में? लो भैया ले ली इस गियर में, कर दिया सर्विसिंग इनकी।
मतलब आधे घंटे से गला फाड़ के चिल्लाए हैं तब भी समझ में नहीं आ रहा, कह रहे एकदम कवर में है। तब तक गाड़ी के छेद से कुछ दिख रहा था, इनको ठेल दिया। तब तक इनके दोस्त आ जाते हैं गाड़ी लेके, इनको खुजली मची रहती है। तो पिचकियाओं करना चाहते थे भाई साहब, लेकिन भाई साहब कर ही नहीं पा रहे थे। हमने कहा रुक कहाँ जा रहा है, लो भैया निकल गए किनारे से। हमने कहा जाओ भैया, अब ये जो है पूरे मैच में गाड़ी घुमाते रहते हैं। और हाँ भाई, कुछ लोग जो है कमेंट करके कह रहे हैं कि भाई अपना फेस रिवील करो। अबे कितनी बार फेस रिवील करे भाई, एक बार कर तो दिया, अब क्या प्लास्टिक सर्जरी करा के अपना चेहरा सलमान खान लगा के फिर से फेस रिवील करे का? भाई कुछ बंदे जो AWM लेके चम्मच चुम्म कर रहे थे ना, अब वो हम लोग के ऊपर आके रस करेंगे और देखो उन लोगों को कैसे खत्म करते हैं। बहुत चौड़े होके आए थे वो लोग। हमने कहा आ जाओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? लो बेटा कंटा, तुरंत इनको गाड़ी से उतारते। तब तक एक आदमी खुद ही गाड़ी से उतरते। हमने कहा लो बेटा अब निकल गया। तब तक भाई साहब ये किल कर लेते। हमने कहा कोनो बात नहीं, अब इधर आके गाड़ी रुकी थी। हमने कहा रुको बेटा अभी परसा देते। लो बेटा कंटा, गाड़ी भी जितना भाई ये वही बंदा रहता है जो आधे घंटे से गाड़ी लेके घूम रहा होता है। हमने कहा लो बेटा कंटा अभी गाड़ी से उतार देते, लेकिन भाई साहब ऐसा लग रहा था कि इनकी पैंट में कोनो चूहा छोड़ दिया था, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। लो भैया निकल गया ये तो। भाई साहब वो एकदम घुस के चले जाते बिल में, अब उससे तो निकलेंगे नहीं बाहर जब तक जोन नहीं आएगा। हमने कहा आखिरी बंदा कहाँ है, वो तो दिख ही नहीं रहा है। तब तक इधर झाक के देखते तो ये भाई साहब लिए थे कान 98 और मौका ढूंढ रहे थे चम्मच चुम्म करने का। लेकिन भाई साहब मौका मिले तो तब ना इतने बड़े गोबर थे कि हम लोग यहाँ पे हैं और वहीं लगे हुए बम फेंकने में। ऐसा लग रहा था कि वहां से यहाँ बम फेंक देंगे, उनके सारे बम चौराहे पे ही गिर जा रहे थे। जो गाड़ी लेके टहल रहे थे वो जोन से ही मर गए। और इधर आखिरी बंदे बचे थे जो आ रहे थे हम लोग के पास, बेचारे कार 98 का चलाने का मौका ही नहीं मिलता इनको। तो भाई इस मैच में हम खेल लेते सोलो वर्सेस डुओ और बंदों को मार मार के मार मार के नानियां दिला देंगे। अब भाई सामने वाले घर में उतरे थे लप्पू झप्पू और उधर तीन मंजिला मकान में उतरे थे पपलू टपलू। लप्पू झप्पू बहुत चलाक थे, केडी बड़ा देवता को दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। हम देख लेते हैं, हमने कहा बेटा केडी बड़ा देवता को मारोगे अभी बताते। लो बेटा कंटाप, इनको चौराहे पे ही ढेर कर देते हैं और इनके दोस्त को मारने की कोशिश करते हैं। तो इनके दोस्त को जो है रिलोड करने के चक्कर में बच जाते हैं। हम कहे पूरा ले लो इसको। तब तक भाई साहब इनके दोस्त भाग जाते अंदर। हमने कहा कोनो बात नहीं, अब एक और केडी बड़ा देवता जाते, कहते कार्टून हो, हम इसको अपने माया जाल में फंसाएंगे, इसके सामने दौड़ते रहेंगे और जैसे ये खोपड़ी दिखाएगा तुम तुरंत इसकी खोपड़ी फोड़ देना। हमने कहा ठीक है, कहते मारो इसको। हमने कहा लो बेटा कंटाप, केडी बड़ा देवता को मार दो। ये कार 98 से उनको ठोक रहे थे, हमने इनको थॉमसन ठोक दिया। तब तक अभी हम लूटने जाते हैं तो इनकी बीवी आ जाती है, कहती है कार्टून मेरा हिस्सा कहाँ है? हमने कहा हिस्सा चाहिए, लो बेटा कंटाप चलो ऊपर। अब भाई सामने वाले घर में दो बंदे पहले से थे, उसके बाद एक बग्गी आ जाती है। अब भाई साहब दोनों लोग में लड़ाई चालू हो जाती है, हम बस बैठ के देख रहे थे। हमने कहा सही मौके का इंतजार है, तब तक देखते एक और जो है गाड़ी आ रही होती इन लोग के पास। हमने कहा बहुत बढ़िया थर्ड पार्टी कर देंगे, जैसी बाहर छलांग मारते हमने कहा लो बेटा छक्का लगाते हैं क्रिस गेल की तरह, अंदर गोली चलाने लगते हैं। तब तक सही में छक्का लग जाता है। हमने कहा विशाल ये तो छक्का हो गया। उधर विशाल का दोस्त अविनाश एक बंदे को दौड़ा दौड़ा के इतना डरा देता है कि उनको पैंट में ही पैखाना हो जाता है। तुरंत ऊपर से छलांग मारते हैं और बग्गी लेके फुर्र दे निकल जाते हैं। अविनाश कहते हैं कहाँ चला गया? वो जो है वो भी तुरंत ऊपर से नीचे कूदते हैं और चौराहे से जैसी गाड़ी लेने जाएंगे बेचारे चौराहा क्रॉस कर नहीं पाएंगे, हम तो उनको चौराहे में ही टपका देते हैं। न जाने वो हमसे क्या छुपाती थी, कुछ तो था उनके मुंह में जरूर, मगर न जाने क्यों हमसे शर्माती थी। जब मुंह खुलवाया तब जाकर मालूम हुआ, वो तो चुपचाप पान मसाला चबाती थी।
हे चकलू, बी इन योर लिमिट्स, ओके? व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर टॉकिंग टू मी लाइक दैट? वन सब्सक्राइबर कहीं शायरी बोलिंग तो चिल्ला कर रहे बे। अब भाई एक आदमी BIDM लेके टहल रहे थे, फ्लेयर मंगाए थे तो बहुत हीरो बन रहे थे। हम कह लो भैया BIDM छीन लेंगे, तब तक पीछे से एक आदमी जो है हम पे गोली चलाने लगते हैं। ये भाई सब स्क्वाड हाउस में आधे घंटे से कैंपिंग कर रहे थे, काहे से हो सकता है इनको कौन कर जाना हो। हम कहे गाड़ी पे गोली मार रहे हैं, अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ये भाई साहब एकदम छुप के बैठे हुए थे। हम समझ गए कि कहीं गुम्मा तो नहीं इसके पास। देख लो भाई साहब, शेर वेर का खाल पहने थे। हम कहे थोड़ा बच के जाना पड़ेगा, तो हम पहले जो है एक बम निकाल के फेंकते, तब तक भाई साहब को आवाज़ आ जाती है। अच्छा हेडफोन बने थे, हमने कहा रुको बेटा अभी बताते हैं। लो बेटा भम, आई बच गए। तो अब भाई सब ये नीचे कूद जाते, हमने कहा नीचे से आ रहे हो, अभी बताते तुम्हें। भाई सब इतना हिलते कि उनको चक्कर आ जाता है, ये ऊपर चले जाते। का बे खाली तुम्हें लोग हिल पाओगे का? हम नहीं हिल पाएंगे का? अभी हम बस लूट ही रहे थे, तब तक केडी भाई देवता जाते, कार्टून मेरा हिस्सा का है? हमने कहा चल भाग, हिस्सा चाहिए। भाई हम गाड़ी लेके एकदम टहल लेते, तब तक आगे से आवाज आती है भम भम। हमने कहा ई का भैया? तो देखते एक आदमी जो है पतंजलि के ड्रेस पहन के गाड़ी के पीछे छुपे थे। हम कह लो पिचकियों करते, तब तक भाई सब बच जाते हैं। अब हमारे पास तो गुम्मा रहता नहीं है, अगर हम भी चले जाते तो हमको भी ये लोग उड़ा देते, तब तक गोली मार के हमारी गाड़ी की ऐसी तैसी कर देते। हम कहे भाग चलो भैया, खतरनाक बंदे हैं, कहीं हमको जो है लॉबी ना भेज दे। तो हम जा रहे हैं तो ये लोग पीछे से गोली चलाए पड़े और पूरी गाड़ी पे आग लगा देते। हमने कहा उतरो भैया जल्दी से भागो। अब भाई साहब हम तुरंत भाग के इधर जा रहे होते, तब तक इधर भी कोनो बैठा रहता है छुप के, ये भी गोली मारने लगता है। हमने कहा पानी में कूद जाओ भैया, सब आ गए हमारे पीछे पड़ गए। तो गाइस फ्रॉम दिस थिंग हैंस प्रूव दैट वाटर नॉट ओनली रियल लाइफ सेव पीपल, वाटर कैन सेव पीपल इन गेम ऑल्सो। हम कहे हेल्थ किट लगाओ जल्दी भैया। अब ये लोग सोचे कि हम गुप्ता की दुकान पे चले गए हैं पान खाने, तो आराम से वहाँ गोईठा कंडा जला के इन्वायरमेंट पॉल्यूशन करके और जो है खटिया बिछा के लूटना शुरू कर देते। हम कहे कहाँ गए बे सब, क्या कर रहे, जोन में नहीं जाएगा का? तो जाके देखते, देख लो भाई सबको। बेटा कंटा कब तक लूटोगे बे, जोन में नहीं जाना है का? हम कहे लग रहा पेड़ के पीछे छुप गए सब, एक तो इसमें ट्री प्लांटेशन बहुत हुआ है। हमने कहा जल्दी चलो हट, कबड्डी कहाँ है बे, अबे कहाँ गए? लो बेटा कंटा, भाई कहाँ इतनी देर से छुपे हुए हो, हम कबड्डी बोल के थक गए और तुम लोग का गुली गुली खत्म ही नहीं हो रहा है, ये क्या कर रहा है बार बार झांक रहा है? अच्छा गुम्मा रखा है, अभी बताते। लो बेटा कंटा चलो ऊपर, बाय बाय। अब हम तुरंत इनकी पेटी से गुम्मा उठा लेते हैं। हमने कहा गुम्मा व्हाट इज दिस, व्हाई आर यू नॉट कमिंग विद मी, व्हाई आर नॉट मिलिंग मी? अब भाई साहब तुरंत हमने कहा गाड़ी निकालो, जोन में निकला जाए। तो एक बग्गी की आवाज़ आती है और ये भाई साहब कॉन्करर में जाने के लिए इतने उतावले थे कि आधे घंटे बाद जब जोन एकदम छोटा हो गया तब निकल रहे बिना बात के, मतलब कुछ है ही नहीं, किसी से ना लड़ाई करना ना कुछ, और जोन में आप जा रहे हैं। हमने कहा रुको बेटा अभी बताते इनको कॉन्करर में तो हम बेचेंगे, कहाँ जा रहे हो? तो देख लो भाई साहब बग्गी स्पीड इतनी धीरी कि बैलगाड़ी भी इनसे आगे निकल जाए। का बे खाना वाना खाते नहीं हो का, एक्सेलेटर पे पैर मारो जल्दी से। भाई सब जैसे ही हमको देखे कि गाड़ी से उतरा है, इनको हार्ट अटैक आ जाता है, तुरंत बग्गी भगा लेते हैं। हमने कहा जा रहे हो भैया प्रसाद ले लो, उल्टा ये हमें हॉर्न बजा के चिढ़ाने लगते है। हमने कहा चिढ़ाता है अभी बताते, ऐसा कॉन्करर भेजेंगे? लो बेटा भम भम, कॉन्करर लॉबी इन द हाउस बेबी। आई ये क्या कर दिया गाड़ी को, लो भैया फंसा दिए गाड़ी। हे भगवान चलो बग्गी से चले, आई ये भी नहीं निकल लिए। हे भगवान अपने तो डूबे सनम, साथ में हमें भी लूटे हुए, अपने तो जाना था इनको जोन में एकदम आखिरी में, यहाँ हमारी लंका लगवा दिए। और वो BIDM वाले देखो भाई साहब यहाँ आराम से बैठ के ड्रॉप लूट रहे थे, वो तो बोलो इनको लॉन्चर नहीं मिला वरना चिकन डिनर तो यही ले जाते। हमने कहा अभी बताते इनको। लो बेटा कंटा आई अंदर घुस गया, कोनो बात नहीं, तुरंत इनके ऊपर हम गोली उली चलाने लगते हैं। तो हम सोचिए भागेगा तो भाई साहब देख लो, अबे ये तो इधर ही आ रहे, अबे 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 हमको कुचलने की कोशिश कर रहे थे, अभी बताते हैं। भाई साहब तुरंत एकदम एटीट्यूड में निकलते हैं और दो गुम्मा मारते हैं। हमने कहा बेटा गुम्मा मेरे पास भी है। लो बेटा भम भम, तुरंत भाई साहब एकदम हालत खराब हो जाती है, BIDM में बैठ के निकल लेते हैं। हमने कहा क्या हो गया भैया, हालत खराब हो गया क्या? अरे ले लो थोड़ा प्रसाद ले लो, कहाँ जा रहे हो? तुरंत इनकी BIDM से धुआं निकाल देते हैं, भाई साहब भाग जाते हैं और छुप जाते हैं वहाँ पे। अब भाई साहब इधर से हम दोनों लोग में तू-तू में स्टार्ट हो जाती है, वो गोली चलाते हैं हम गोली चलाते हैं, वो कहते तू कुत्ता, हम कहते तू कुत्ता, वो कहते तू पागल, हम कहते तू पागल।
भाई साहब जोन आज बहुत साथ दे रहा था, जोन फिर जो है हमारी साइड में बन जाता, और ये भाई साहब को देख लो, जोन से मर जाएंगे लेकिन हमारी गोली से नहीं मरेंगे, चिकन डिनर। तो गाइस अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो जल्दी से लाइक कर देना, और मिलते हैं कल संडे 12 बजे। बाय बाय।